हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। और आप लोग जो है काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जेके एसएसबी सुपरवाइज़र के एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी पे होने वाला है कि आप किस तरीके से जेके एसएसबी यानी कि सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर गूगल में लिख लेंगे जेके एसएसबी। तो जेके एसएसबी लिखने के बाद आपके सामने सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप जो है देखिए, यहाँ पे जैसे ही साइट खुल रही है तो यहाँ पे आपको सीधा इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि क्लिक ऑन डाउनलोड एडमिट कार्ड बटन, और आप जो है अपना ई कार्ड जो है सुपरवाइज़र की पोस्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना नाम या एप्लीकेशन नंबर डालना और साथ में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और उसके बाद अपना ई कार्ड जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम डाउनलोड एडमिट कार्ड पे यहाँ पे हम जो है क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद सुपरवाइज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और सुपरवाइज़र पे क्लिक करने के बाद विंडो जो है हमारे सामने खुल जाता है। बाय नेम करना है कि बाय आपने एप्लीकेशन नंबर करना है। तो आप यो यहाँ पे अपना नाम भर सकते हैं, अपना नेम, जैसे आपका कोई भी नाम होगा, रेखा देवी वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम आपको डालना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ये वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है इसको डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं सारी डिटेल डाल के उसके बाद सबमिट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं सारी डिटेल्स इसमें भर ली और सबमिट कर लेते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ जाता है क्लिक हेयर टू व्यू योर एडमिट कार्ड। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नया विंडो खुल के आ जाता है, और यहाँ पर आपके सामने जो है आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी फ़ोटो वगैरह, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट आइटम, जो भी है आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और लास्ट में यहाँ पर आपको जो है अपना आपका अपना सेंटर भी दिख जाएगा कि आपका कहाँ पे बना हुआ है, और आपका टाइमिंग क्या है वगैरह वगैरह सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है कि आपको क्या क्या चाहिए और इसमें आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना देता हूँ। फिलहाल के लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में मैंने बताया, तो ये आप रखें। उसके बाद अब हम इंस्ट्रक्शन पे एक वीडियो बनाएंगे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है वगैरह वगैरह। तो चलिए, तब तक के लिए आप इस वीडियो को सेव करके रख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरा वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके।